नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रॉप्स 34 ड्रॉप्स के बारे में, जो फिब्रो ड्रॉप्स के नाम से आती है, हस्टलाइफ फार्मा कंपनी से बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, किन बीमारियों में इसे लेना चाहिए, लेने का सही तरीका क्या होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। दोस्तों, इस दवाई को दिया जाता है फीवर में, कोल्ड, फ्लू में। साथ में ये दवाई फेफड़ों के लिए भी दी जा सकती है, अगर पेशेंट को कोल्ड के कारण या कफ में पेशेंट को लंग इन्फेक्शन हो गया है, तब ये दवाई पेशेंट्स को दी जा सकती है। दोस्तों, इसमें जो कॉम्पोजिशन है, होम्योपैथी दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है, वो निमोनिया को भी ठीक करने में मददगार रहता है, खांसी को ठीक करता है, हाई टेम्परेचर अगर पेशेंट को हो रहा है, फीवर आ गया है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा जा रहा है, ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट का टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है, निमोनिया ठीक होता है, लंग इन्फेक्शन ठीक होता है, खांसी, सर्दी, जुकाम, इन सब परेशानियों में ये दवाई दी जाती है। अब जानते हैं इसमें कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं और उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। इसमें डाली गई है बेलाडोना। बेलाडोना हाई टेम्परेचर में पेशेंट को दी जाती है, अगर पेशेंट को हेडेक भी साथ में देखने को मिल रहा हो, थ्रोम्बिंग टाइप का पेन हो, पेशेंट को पूरे शरीर में अगर दर्द भी हो रहा है, तब ये दवाई दी जाती है। अगली दवाई इसमें एक्कोनाइट है। एक्कोनाइट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है कोल्ड एंड फ्लू में, फीवर में। ये दवाई खास तौर पर तब दी जाती है जब ठंडी हवा लगने से, सर्दी जुकाम लगने से पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि पेशेंट को बुखार आ जाता है अचानक से, खांसी हो रही है बार बार, या गला पेशेंट का दर्द कर रहा है, निमोनिया में भी ये दवाई असरदार रहती है। अगली दवाई इसमें जेल्समियम है। ये दवाई फीवर में तब दी जाती है जब पेशेंट को फीवर में वीकनेस का सामना करना पड़ रहा है, पूरे शरीर में कमजोरी, थकावट के साथ साथ बुखार बार बार आ रहा है, ऐसे केस में जेल्समियम बहुत इफेक्टिव रहती है। इसमें ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया पेशेंट को सर्दी जुकाम में दी जा सकती है, लेकिन खास तौर पर इसे ड्राई कफ में देते हैं, सूखी खांसी में दवाई दी जाती है, सोर थ्रोट में और शरीर में पेशेंट को अगर अकड़न के साथ दर्द देखने को मिल रहा है तो उसको भी ये दवाई ठीक करती है। अब ड्रॉप्स 34 के डोजेज की अगर बात की जाए कि इसको लिया कैसे जाता है, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ लंबे टाइम से आ रही है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, कुछ जांच कराएंगे आपकी, तभी डिसाइड हो पाएगा कि आपकी कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी, आपको डायग्नोस करेंगे आपकी बीमारी। एक्यूट केस में इसको दिन में 3 से 4 बार दिया जाता है, 4 से 5 बूंदे एडल्ट्स में। बच्चों में हाफ डोज ही देनी चाहिए, डॉक्टर से एक बार जरूर मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।